तारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिल नहीं जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। चलो जल्दी, वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। ए, हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। प्रोफेसर इत्तिमान हूँ बच्चों, और मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे पूर्वजों का एक शानदार किला। पर मेरा नक्शा तो यही बता रहा। मिल गई। यही है धौलतपुर का मशहूर किला। ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? अजगर को जल्दी बताना होगा। दो बच्चे हमारे किले में घुसाए हैं। बच्चे कैसे? कोई बात नहीं, अजगर सब संभाल लेगा। मखदूम, जरा बच्चों को हमारी भूत की सेना से मिलाते हैं। जी अजगर साहब। तुम शैतान बच्चे यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। मुझे कृपया थोड़े लड्डू देंगी? आप ढोलकपुर में नए हो? पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। किला तो एकदम ठीक रहेगा, लोग देखने आएंगे और लड्डू खाएंगे। हाँ हाँ, मेरा रहना भी आसान हो जाएगा। चलो मैं अभी आपको किला दिखाता हूँ। भीम, राजू और जग्गू सुबह से गायब हैं। अभी मौसी एक किले के बारे में बात कर रही थी, शायद राजू और जग्गू भी वही होंगे। चलो। हाँ,
ये देखो राजू यहाँ आया था। पर राजू कभी भी अपने तीर धनुष ऐसे नहीं छोड़ जाता है। और ये मूर्तियाँ कैसे गिर गईं? यहाँ कुछ गड़बड़ है भीम। ये सब तो हमारे अड्डे को होटल बनाने में लगे हैं। चिंता मत करो, आज रात को ही सबको डरा के भगा देते हैं। चलो मुझे सोने दो। बात है, चोरी का माल यहाँ छुपा रखा है। और अब तुम भी कभी निकल नहीं पाओगे, वरना क्या बच्चों मखदूम। अब कहाँ जाओगे? जग्गू, इन गुंडों ने हमें कैद कर रखा था, हम भागने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे। अब तो ये चोर भागने का रास्ता ढूंढते रहेंगे महाराज की काल कोठरी से। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। मसल के रख दूंगा। शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। ये। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? उस्ताद, हम तो उस्ताद, हम तो कसरत कर रहे थे। कसरत? पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या? तुम दोनों को तो मैं कोई बात नहीं कालिया। और फिर इन दोनों के कूदने से तुम्हारे पेट पर क्या फर्क पड़ेगा? हैं? प्रोफेसर, ये किला आपने ढूंढा है, ये सब कुछ आप ही का है। और अब इस खुशी के मौके पर सबके लिए लड्डू। अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। We'll be right back.
आखिर उस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। कुछ और है। कालिया अभी तक नहीं आया। ताकत का फॉर्मूला पिया है भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फॉर्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला। प्रोफेसर, पर कालिया हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। सच में भीम है कि लटो, कैसे कर लेते हो तुम भीम? तुम भी कर सकते हो जग्गू, जरा घूमो।
कमाल का है, जरा देखो उसने तो जग्गू को भी सिखा दिया। आप कब हमें ऐसे पैतरे सिखाएंगे कालिया उस्ताद? खुद गेंद संभालना आए तो हमें सिखाएंगे ना। खोलू गेंद छोड़ो, तुमने जुबान नहीं संभाली तो तुम्हें ही मैं लट्टू बनाकर घुमा दूंगा। तुम ठीक तो हो ना कालिया? मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ, इसलिए तो गेंद के बजाय खुद ही घूम रहे थे। वैसे भी गेंद से तो कोई भी करतब दिखा सकता है, पर फ्रिस्बी घुमाना तो हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा तो हो जाए मुकाबला। फेंकूंगा कि किसी की पकड़ में ही नहीं आएगा। ओ, ये तो बहुत ऊपर चली गई। कल रात में ये पूछ अपने घास को खुले में डालूंगी। तार फिर बस। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। भीम, चलो उसी तरफ चलते हैं। जग्गू, ये कैसे हो गया? कल रात जब मैं सुबह उठा तो मेरी प्यारी पूंछ गायब थी। मुझे पता है हमारी मदद कौन करेगा। चलो। जानती है जग्गू की पूंछ किसने चुराई है? मेरे दोस्त की पूंछ उससे कोई नहीं ले सकता। Thank you.
आओ कोशिश करते हैं। अंधापुर के सिपाही भीम, वो देखो नीले कमल के फूल, कितने खूबसूरत हैं। नीले कमल, कौन है वहाँ? पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। कौन है तुम? कहाँ से आए हो? हम नहीं बताएंगे कि हम ढोलकपुर से आए हैं। अरे नहीं, हमें कुछ करना होगा। ठहरो। ढोलकपुर हमारा दुश्मन राज्य है, चलो इन्हें महाराज के पास ले चलते हैं। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? विद्दी जैसा छोकरा हमसे मुकाबला करेगा। कहाँ चला गया? ये तीनों कहाँ गए? बच्चों को भी संभाल नहीं सकते बेवकूफो? मैं हूँ। कौन? कालिया, मैं भीम हूँ। वो मैं तो बस यूं ही। तेरा खेल तो खत्म। जोर से घुमा के मारना। रुको रुको रुको, जरा एक एक चक्कर लगा कर। अब जाओ अब जाओ। ऊपर उठा के जोर से घुमाओ राजू। राजू संभल के। ये मैंने एक मोटी सी धाड़ की आवाज सुनी। वो धाड़ बौने के पेट से नहीं, कालिया के लेमलेट होने से सुनाई दी। हाँ हाँ ओए, क्या डंडा घुमाते घूम रहे हो, दिखता नहीं क्या? नहीं नहीं, और वही खेल का नियम है। खेल? कैसा खेल? टॉफी से भरे बौने को बिना देखे मार गिराने का खेल। टॉफी से भरा बौना?
इतना आसान खेल मैं तो एक ही झटके में फुटा देता। अच्छा तो करके दिखाओ भीम से मुकाबला। शुरू हो जाओ। जो पहले बौने को फुटाएगा वो जीतेगा। शुरू हो जाओ। उस्ताद बाएं बाएं। नहीं उस्ताद दाएं दाएं। अगर मैं ध्यान से सुनूं तो बिना देखे भी बौने का पता लगा सकता हूं। बढ़िया भीम, तुम कर सकते हो भीम, बस घुमा के मारो। हाँ? इस भीम को तो मैं। अरे कालिया क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। कालिया शायद मेरी तरफ आ रहा है, पर बौने को तो मैं तोड़ कर रहूंगा। भीम संभालो। ये भीम ने कर दिखाया। क्या कहा छचुंदरो, भूल गए तुम मेरे चेले हो। माफ कर दो उस्ताद, पर इतनी सारी टॉफी देख कर तो हम अपना नाम तक भूल गए। लड्डू का शौकी।